रथ के माध्यम से गाजे बाजे के साथ यहां तक लेके आए और लाडू से डीरवाड़ा पहुंचने के दौरान गांव गांव जो स्वागत का कार्यक्रम थे, ये ऐतिहासिक सत्ता संकल्प यात्रा की सभा जो डीरवाड़ा के अंदर हो रही है, इसमें चार घंटे में देरी से पहुंचा, फिर भी आपने अथक समर्थन दिया, हृदय से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के अंदर जब मैं आपके बीच आया था, उस समय भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के रूप में लड़ रहा था, बाजार में बात चल रही थी जल से पहले कि डीटवाड़ा में हनुमान बेनीवाल पीछे रहेगा, लेकिन मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं सिर्फ मकराना के अंदर 5,000 वोट पीछे रहूंगा, बाकी डीटवाड़ा के अंदर मेरी बढ़त रहेगी, ये मंच पर बैठे को पूछ लो। और डीटवाड़ा के अंदर आपने भारी बहुमत से मुझे आगे निकाला और नागौर से उस अन्याय को खत्म किया जिन लोगों ने नागौर को विकास के मामले में पीछे रखा, न नागौर को आगे लाने की बात करी, न किसान राजनीति की धूरी कहने वाले इस नागौर की सेकंड पंक्ति के नेताओं को तैयार किया, नया नहरी क्षेत्र बढ़ाया और न शिक्षा की अलग जगाई। धीरे धीरे ये जिला और ये डीटवाड़ा पिछड़ताई चला गया। भाइयों, मेरा संघर्ष कोई मेरा अकेले का नहीं था, ये जो पार्टी बनी है, ये झंडा देख रहे हैं, मेरी लड़ाई की शुरुआत डीटवाड़ा की धरती से होती है। जब 2005-06 के अंदर जीवन गोदारा की निर्मम हत्या की जाती है, प्रदेश के अंदर किसान कौम के बच्चों पे पुलिस की गोलियां और अपराधियों की अंधाधुंध गोलियां चलती है, उस समय वसुंधरा के करीबी लोग गोलियां चलवाते किसान के बेटों पे, तब हनुमान बेनीवाल इस किसान कौम की लड़ाई को सड़क से लेके सदन तक लड़ता है। उसके बाद जब डीरवाड़ा से इस जिले की लड़ाई के अंदर जीत हासिल नहीं होती, तो पूरे जिले की लड़ाई डीरवाड़ा के लोगों को साथ रख के 2014 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है और उस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाता है। चाहे मैं 2014 के अंदर डीरवाड़ा में पीछे रह गया था, मुझे पता है उस समय मुझे खड़े करने वाले लोग 70% खिसक गए थे, मुझे खड़ा कर दिया था और 70% सीधे भाजपा में चले गए थे, लेकिन खींवसर की जनता ने, नागौर जाहिल की जनता ने हनुमान बेनीवाल का सम्मान रखा और 1,60,000 वोट देके कांग्रेस पार्टी की चटनी 2014 के अंदर नागौर जिले के अंदर बना दी थी। 19 के अंदर आप लोग वापस उठे, आपका 14 की भूल थी, अब क्या करें, हनुमान जी लड़ाई हमारी लड़ रहा था, जब आपके बात समझ में आई तो 14 की हार का बदला 19 में आपने लिया और डीरवाड़ा के अंदर कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनाव में पछाड़ दिया और एनडीए गठबंधन के हनुमान बेनीवाल को भारी वोटों जीता के रात हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर भेजा। 18 के अंदर जब नई पार्टी बना के लड़ रहा था, हर जगह मैंने उम्मीदवार नहीं उतारे, नागौर जिले में लाडू में उम्मीदवार उतारा, खींवसर से खुद लड़ रहा था, मेड़ता से बहन इंदिरा बावरी लड़ रही थी और जाहिल से अरबी का उम्मीदवार था। भाइयों, दो जगह हम जीते, जाहिल में सेकंड नंबर रहा और लाडू से भी 20,000 से ज्यादा वोट राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने हासिल की। डीरवाड़ा सहित कई सीटें राजस्थान के अंदर मैंने इसलिए नहीं लड़ाई कि मैं जीत नहीं सकता था, मैं किसी को हरा सकता था, और ऐसी स्थिति में आप लोगों ने जैसा कहा मैंने कर दिया, जैसा आपका मन था वैसा उस समय मेरा ही मन हो गया था, 15-20 लोग मेरी वजह से राजस्थान की विधानसभा के अंदर पहुंच गए थे, लेकिन तभी इसके चुनाव के अंदर आरएलपी पार्टी पूरे राजस्थान में दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और डीरवाड़ा के अंदर चुनाव लड़ेगी। वैसे मैं चाहूं
तो प्रत्याशी घोषणा पहले भी कर सकता हूं, मुझे किसी का वेट नहीं करना। मुझे कोई दिल्ली में ऑल इंडिया कांग्रेस की मीटिंग नहीं बुलानी, कोई पर्यवेक्षक को मीटिंग नहीं करनी, कोई प्रभारी नहीं बुलाना। मैं तो आपको पूछ लूंगा, टिकट दे दूंगा, वोट मांग लूंगा, और अगर किस्मत होगा जीत जाएगा, अच्छे वोट ले लेगा। मैं दावा के साथ कहता हूं कि डीडवाना के अंदर भी आरएलपी को कमजोर नहीं समझे। डीडवाना में भी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की गिनती 40,000 वोट से शुरू होती है। ये भी किसी को अगर गलत फहमी है वो निकाल ले, जो गलत फहमी 3 दिसंबर को निकल जाएगी। 3 दिसंबर को ज्यादातर लोग सुबह जब काउंटिंग होगी तो 2.5-3 घंटे बाद पानी पेशाब का बहाना लेके खिसक जाएंगे। जब आरती मैं वही मिलूंगी, मेरा घर वही है, सब निकलते हारते हुए निकलते हैं, जीतते हुए आगे से निकलते। अब मैं पकड़ लूंगा जो जो हारेंगे उनको पकड़ के बिठाऊ यहाँ पे साइड। क्यों हारे पता करो, देखा पहले ही कहा था हार रहे हो। 5 साल अगर जनता का ध्यान रखते, 5 साल जवानों का ध्यान रखते, 5 साल किसानों का ध्यान रखते और 5 साल उनका ध्यान रखते जिन्होंने तुम्हारा ध्यान रखा, तुम्हें हारने की नौबत नहीं है। भाइयों, राजस्थान में जो कांग्रेस का कुशासन था वो आपने देखा होगा। दुर्भाग्य देखिए कि डीडवाना जिला बनने के लिए लंबे समय से आप प्रयास कर रहे थे, जिला बना नहीं है, पीछे पूंछ लटका दी। डीडवाना पूछा मैं क्या नाम है जिले का, नाम पूरा बताओ। डीडवाना पूछा मैं और इसमें वीर वीरनी कौन है ये भी पता नहीं लग रहा। वैसे कोशिश ये कर रहे हैं कि अस्थायी रूप से ऑफिस यहाँ रख दिया। चुनाव बाद होगा जो देखा, चुनाव बाद किससे देखा। और गहलोत जी लोग जादूगर है, उन्होंने कोचापुर वालों को खुश करने के लिए देख में 3 जिले बनाने की घोषणा कर दिया, बना ही नहीं सकता। आचार संहिता लगी बना दिए, वो काम जो मेरे लग रहे। भाइयों, हम ये चाहते हैं कि नागौर बहुत बड़ा जिला था, इस जिले के अगर 2 जिले बनते हैं तो नागौर जिले के लोगों को एतराज नहीं था, लेकिन इस तरह अपमानित करना, न तो डीडवाना बड़े इस बात से खुश है, आप परेशान जरूर है क्योंकि चला नहीं जाए जिला वापस। चर्चा तक आदेश है कुछ अपन आगे आ जाए और डीडवाना को कुछ अपन डीडवाना को सता गया। पिछले 5 साल के अंदर मैं तो बच्चों, मैं तो गहलोत के बेटे को हराया था, वसुंधरा को 7 समंदर पार भेजा था, लेकिन विकास की बात अगर करोगे चले जाओ क्षेत्र के अंदर, या तो आपके सड़क पुल कुछ बड़ा बच्चे डीडवाना के अंदर। पिछले मंत्री इस इलाके अच्छे थे तो मंत्री जिस इलाके का होता है वो अपने इलाके में छोटा मोटा काम करता है, हमेशा होता है, लेकिन नया डेवलपमेंट मुझे नहीं दिखा। खीमचंद चले जाओ, हर गांव की सड़क 5.5 मीटर चौड़ी बढ़ रही, गांव गांव की सड़क 5.5 मीटर के अंदर, केंद्रीय विद्यालय से लेकर तमाम जिले की योजनाएं नागौर पर लेकर। मैं कोई सत्ता पक्ष विधायक सांसद नहीं हूं, प्रदेश में गहलोत से लड़ रहा हूं और दिल्ली में मोदी से लड़ रहा हूं, उस मोदी से लड़ रहा हूं जिस मोदी के शरण में छावनी होने के लिए हमारे नागौर जिले के वो परिवार जो कमल के फूल को सत्यानाश का फूल कहते थे, वो नेत्रियां मोदी के शरण में छावनी हो गई, चली गई, रही नहीं गई। और ये कह रही है कि अब तो हनुमान जी ने की वजह से बीजेपी ज्वाइन कर रही, मेरी वजह से नहीं किया। ईडी का छापा ससुराल में पड़ा, सीबीआई ने बुलाया ससुराल वालों को, आओ, बोला आना नहीं चाहते, ब्रेड पर सब बट रहा है, बोले जाओ चले गए। ये तो पुराना काम है, पहले भी पार्टियां बदलते थे, सबसे ज्यादा पार्टी बदलने का रिकॉर्ड अगर किसी परिवार के नाम है, इसी परिवार के नाम है, जितनी पार्टियां बनी सब पार्टियों का टेस्ट इन लोगों ने लिया और अभी भी लेते हैं, थक नहीं रहे। अभी चाचा कोई सी पार्टी में, भतीजी कोई सी में, भतीजा कोई से में, चाचा का लड़का कोई से में, 5-7 बार हार गए,
फिर भी दिमाग का दीवाना निकला, हम चुनौती देते हैं। अरे कहां तुम जवान जब चले, सारी चुनौती निकाल दी तुम लोगों। कल थोड़ी बहुत थी वो भी निकल गई थी, देखा ना, देखा नहीं, झंडा दिया अपने लड़कों को। मैंने कहा झंडा और डंडा आपका, यही झंडा था डंडा भी यही था, ले रहे थे भाई। मुझे कोई मेरी लड़ाई नहीं देखी, मेरे पिछले चुनाव के अंदर डिजपाल मेरे पास आया और उसने कहा कि मेरे बेटे को जिता दो। बीजेपी वाला मंत्री वो मेरी खिलाफत करता था, मेरे तो एक जैसा ही था, मैं तो 30-35 हजार वोट ले लेता। तो मैंने कहा उससे मुझे क्या होगा, बोले वो भी आपके खिलाफ है। तो मैंने कहा ठीक नहीं खड़ा करूंगा। अब देखिए मेरे साथ दिलेर आदमी को हो सकता कि नागौर में 5-6 विधायक तो मेरी वजह से बने, और इधर से चले जाओ 25-30 का आंकड़ा होगा राजस्थान के अंदर। कोई मुझे मामा बोला, कोई चाचा बोला, कोई भाई साहब बोला, अपना काम निकाल लिया और जैसे ही काम निकला और बोले कि हम तो हनुमान को ही मिटाते हैं, क्योंकि आदत है पुरानी, उस आदत को छोड़ेंगे कैसे। कई लोगों को तो यह आदत है, जिनके घर पर नौकरी करी उन्हीं परिवारों को मारा, यह आदत है, आदत जाती नहीं। यह पार्टी अगर स्टेट में बना के संदेश दे देश के, आज दिल्ली में चर्चा चली कि राजस्थान में एक किसान का बेटा खुद की पार्टी बना के लड़ाई लड़ रहा है, वो राज्य लोकतांत्रिक पार्टी का सांसद हनुमान बेनीवाल है, जो किसान और जवानों के दम पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहा है। ये नहीं चाहे अभी मैं बैठ दूंगा इनको, इनको भी अब लगा कि चुनाव किस करवट बैठ सकता है। तो ये राजस्थान के अंदर सर्वे करने के लिए निकले, वैसे मैंने राजस्थान का सर्वे कर लिया, कांग्रेस की स्थिति ठीक नहीं राजस्थान की, और भारतीय जनता पार्टी को रोकना है। रोकोगे कि नहीं रोकोगे? रोकेंगे। क्या जैसे यहां हवन कर रहे हो तो रोक दोगे? तो 25 साल से मिला जुली का जिनका खेल, गहलोत के पापों पे वसुंधरा पर्दा डाल रही है और वसुंधरा के कर्मों पे गहलोत ने पर्दा डाला। एक साम्राज्य है, दूसरा नागनाथ है, ये राजस्थान की दृष्टि। एक रोटी है जो इधर के से सेकते हैं और एक बार इधर से सेकते हैं। नया दल नया है राजस्थान। मेरे साथ मैं उन नेताओं को पूछना चाहता हूँ जो मेरे साथ घूमते थे, कहते थे तीसरा मोर्चा बनाएंगे, हम बदलाव करेंगे। शरण के छमे हो गए, कोई वसुंधरा के पैरों पड़ गए जाके, कोई गहलोत के पड़ गया, कोई मेरे से दूसरी बात करता था गहलोत की छतरी के नीचे चला गया, कोई दूसरी पार्टी में भाग गया। हनुमान बेनीवाल कहीं नहीं गया, निर्दलीय लड़ा, पार्टी बनाई, पार्टी बना के 3 विधायक लाया, सांसद बना, और जब देश के किसानों को जरूरत पड़ी, हरियाणा यूपी दिल्ली के किसानों ने मदद मांगी, तो हनुमान बेनीवाल ने मोदी की सत्ता को ठोकर मार के 70 दिन देश में अगर आंदोलन किया, नागौर का सांसद बना, सत्ता को ठोकर मार कर जब अग्नि बचाया, अगर उसका विरोध देश में किसी ने किया तो नौजवानों के पक्ष में अगर खड़ा हुआ नागौर का सांसद था, जिसने कहा कि मेरे भाइयों के सम्मान में, सेना के सम्मान में मैं मोदी जी रुकूंगा नहीं। जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके दिल्ली कूद का आह्वान किया, परिणाम यह हुआ कि 25% पहले अग्निवीर को रखने की बात थी, अब 50% पर मोदी सरकार आ गई। एक हुंकार ललकार दिल्ली की तरफ भरेंगे, अग्निपथ को भी वापिस करवा देंगे। ये बार बार जो ईडी पेपर लीक, बजरी माफिया, अपराध, दरिंदगी राजस्थान के अंदर, किसानों की आत्महत्या, जवानों में बढ़ता नशा, बढ़ते अपराध, छात्रों की आत्महत्या कोटा में, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? डीडवाड़ा के अंदर बैठे हो, स्कूल में हमारे बेटा बेटी पढ़ते हैं, उनकी उम्र का अंदाज मत करो, 5 साल 8 साल 10 साल की बेटी बेटा है, और 10 मिनट घर आने में लेट हो जाते हैं तो माँ बाप सोचता है मेरे बेटा घर क्यों नहीं है, पता करो। ऑटो वाले से, बस वाले से, स्कूल में 3 बार, इतना अनजाना भेद सता रहा है इस राजस्थान को, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? गहलोत, वसुंधरा। इस राजस्थान को बर्बाद किसने किया? इस राजस्थान के माथे पे अपराध का कलंक किसने लगाया? इस राजस्थान के माथे पे
बदनामी का कलंक किसने लगाया? तो वसुंधरा गहलोत के गठबंधन ने इस राजस्थान को बर्बाद किया। जब सरकार गिर रही थी, खुलेआम पैसा बंटा, जो गहलोत के साथ थे वो भी पैसा ले रहे थे और जो दूसरे कैंप में गए वो भी ले रहे थे, तो बचाए भी ना लिए। बच्चे तो वो थे जो बाहर से साथ थे, वही बच्चे बच्चे जो कैंपों में चले गए ले लिए, किसी ने कोई सेटलमेंट कर लिया, किसी ने कोई कर लिया। ज्यादातर यही हालत है। भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इतना भ्रष्टाचार नहीं था इस राजस्थान में। खुली छूट विधायकों, महेश जोशी, नावा का मंदिर, विदुड़ी, कहीं मीणा जी तो कहीं दूसरे, एक दर्जन मंत्री विधायक हत्या लूट बलात्कार के अंदर शामिल थे और मुख्यमंत्री ने किसी गिरफ्तारी नहीं करी। ये तो मैं था जो गरीबों को न्याय दिलाने के लिए खड़ा रहा, कम से कम उनके परिवारों को अंदर पकड़वाया, नहीं तो उनके परिवार भी निकल जाते। कौन लड़ता लड़ाई बताओ मुझे, क्या आप डिंडवाड़ा के एमएलए साहब गए थे क्या नाव में न्याय दिलाने के? गए थे जब कुचामण के अंदर अभी मेघवाल समाज के दो बच्चों को कुचला था तो कहां गए थे उनके विधायक बताओ? मैं ही था सड़क में, मैं ही ले रहा था कि उनको गलत तरीके से मारा है, अन्याय करने वाले जेल के अंदर होने चाहिए। तब लोगों ने कहा कि हनुमान बेनीवाल अपनों के लिए नहीं लड़ता, वो सबके लिए लड़ता है, सब समाज के लिए लड़ता है और सब भाइयों कहने और करने में बहुत अंतर होता है। दो टाइम नहा लो, कपड़े बदल लो, डीओ लगा लो, मौज मस्ती कर लो, मसाज करने के लिए बाहर चले जाओ, पकड़ा तकड़ी हो कईयों की हो जाती है, कई की होते तो बच जाती है। क्या करोगे बताओ मुझे? मैं घूम रहा हूँ ना खुला, मुझे तो चिंता नहीं, मैं चिंता नहीं करता। हाँ मुकदमा मेरे खिलाफ दर्ज हुआ, लेकिन मैं हाईवे जाम के संघर्ष से सजा भी हुई, आपके लिए हुई, आपके लिए लड़ते लड़ते सजा भी हो गई थी। एक बार स्थिति यह आ गई कि चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी, जज के सामने जब हमने खुद ही बात करी और उनका गलत है इसमें आप बरी हो, बरी कर दिया। वसुंधरा सीएम थी और मैंने कहा कैरियर खराब कर दूंगी, कैरियर कोई खराब नहीं कर सकता, ऊपर वाले की इच्छा होती वही काम होता। और उसी वसुंधरा की क्या हालत कर दी, जिसके पीछे सेल्फी लेने के लिए लोग दौड़ते थे, आज अकेली घूम रही है, कोई पूछने वाला नहीं। ये शिकायत करती है कि मेरे एक दो आदमियों को तो टिकट दे दो प्लीज, मेरी टिकट दे दो तो आज। और मैं टिकट बांटता हूँ, बांटा हूँ नहीं बांटा हूँ, अभी आप कह सकते मंच पर बैठे तो टिकटा बैठे मंच के ऊपर, 15 मिनट का आगे पीछे 25 तो चल ही रहे साथ, चुनाव नजदीक है। एक व्यक्ति ने प्रयास किया तेजा जी के जयकारे के साथ, किसान कौम को आगे ले जाने का प्रयास किया, तो मैं जगाया 98 के अंदर हेड कांस्टेबल ज्ञापन लड़ा आता था, और 2023 में जब चार एसपी कलेक्टर सड़क पे, जब चार डीजी कमिश्नर सड़क पे ज्ञापन लेने के आया कि नहीं आए, आपके बीच आए, समझौता क्या हो गया? जो गैंगवार अपराध इस डीडवाड़ा की धरती से पनपा, लाडनू से पनपा, उसको खत्म करने का प्रयास किया वो नागौर के सांसद ने किया। नागौर के सांसद उन अपराधियों के साथ मिलकर जमीनों के प्लॉट नहीं काटे, उनको अंग करवाने का काम किया। बहुत से कांग्रेसी नेताओं ने साठ गांठ करके जमीनों का कारोबार शुरू कर दिया। जान गए आप सब लोग कौन कौन जाओगे? चुनाव से पहले पहले और कई लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता लग जाएगा कौन क्या कर रहा है, कौन सी जगह कर रहा है, कौन सी होटल के अंदर कर रहा है। तो बात तो बाहर तक जाएगी, बात होगी, बात दूर तक जाएगी, बात हो गई और बात आएगी, ठीक है। अब आप ये बच्चों सोचो कि महिपाल जी अकेले ही राजस्थान, उनको अपना गुरु मान के दिशा बदल दी, जितने कई लोग बाबू आसाराम को अपना गुरु मानते, कई लोग उनको गुरु मान के दिशा में चल पड़ा। ये नौजवान है सत्ता का आनंद लेके, और सत्ता के साथ तो आपको पता है कि सत्ता के साथ ये चीज तो चलती रहती है, तो सत्ता के साथ
इन चीजों में इतने उलझ जाते हैं कि बाद में डिप्रेशन का शिकार होना पड़ता है। और चुनाव अगर हार जाएंगे तो रोड पे पत्थर भी फेंकेंगे, यानी गले उड़े बाटा महंगे। तो सही नहीं, हर कोई लड़ नहीं सकता। एक बार कोई विधायक बन जाए, गलत फैमिली होनी चाहिए, जब तक दोबारा नहीं बने वो नेता नहीं होता। एक बार ऐसे ही बना देते लोग, फिर हराने के लिए जीता देते। दो तीन चार बार बने, पार्टी बना के बने, मेरे से चुनौती मुझे नहीं दे सकते। जो रात को मेरे से मिलना चाहे और दिन में के गणमान को हम क्या समझते हैं, उन लोगों का अब तेवीस में इस जिले के अंदर कुछ भी नहीं बटेगा। इस बार सारी जिले और राजस्थान में जो मेहनत कर लोग हैं उनको आगे रखने का प्रयास करेंगे। 18 करेंगे, हमसे भी कुछ गलतियां हुई होगी। नई पार्टी थी, 19 में इनको भी संचालन में बड़े लोग कोई बातचीत हो गई होगी। आगे हम भी इंसान हैं, 50 लोग आगे कहते हनुमान जी आप ये काम करो ये मत करो, करना पड़ता हम लोगों को। जो आप कहोगे हम करेंगे, हम कहते हैं आप हमारा ध्यान रखते हो। लेकिन तेवीस में एक ही चीज का ध्यान रखेंगे कि प्रदेश कोई किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या नहीं करे, डिग्री से पहले रोजगार की गारंटी हो, फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त और किसानों का राज राजस्थान में हो। भाई सत्ता के बहुत करीब हो, सत्ता का सिंहासन नजदीक है। ये वोट जो दिख रहा राजस्थान का, कोई बीजेपी की लहर नहीं चल रही है और कांग्रेस भी रिपीट नहीं हो रही है, फिर आप कौन रहा है ये तो बताओ। नबे लाख तो तुम नए बच्चे हो, वोट डालोगे और पुराने जो 80 लाख वोट मिलकर आए थे और वो पूरी सीटों में मिलकर आते हैं तो कितना बड़ा वोट राजस्थान के अंदर होता है। अगर 4 करोड़ वोट बोल होता है जिनमें 1.5 करोड़ वोट सारी पार्टियां ले जाती है और 2.5 करोड़ कांग्रेस बीजेपी के पास आता है तो गवर्नमेंट किसी की नहीं बनेगी। हंग असेंबली आ जाएगी, लटकती हुई विधानसभा, लटकती विधानसभा आ गई तो तुम्हारी सरकार बनेगी। ये मिलते हैं, तैयारी करो, अपनी ताकत को पहचानो। लेकिन डीडवाड़ा की सीट आरएलपी को देनी पड़ेगी, दे दोगे क्या? कैसे दोगे? मैं तो 2014 में घूमा था ना लोकसभा चुनाव, मेरे का खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, और 12-13 हजार वोट दिए थे, इतने याद है 12-13 हजार। मैं जिसको कैंडिडेट बनाऊंगा वोटर के जिन पे वोट डाल दोगे, तुम्हें ये नहीं देखना कि कौन हार रहा है या कौन जीत रहा है। तुम्हें हनुमान बेनीवाल को मजबूत करना है। जितने ज्यादा वोट आएंगे उतनी ताकत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और नागौर के साथ सच्ची पड़ेगी। मेरी ताकत बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे? तो तैयारी कर लो वोट देने के लिए, जल्दी तुम्हारे सामने अच्छा सा कैंडिडेट किया जाएगा। आप सबने स्वागत सत्कार किया जोशीलंदा।